इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। आज का मौजू हो सकता है कि कई सारे लोग इससे तफाकर ना रखते हों, पर यह कहना भी ज़रूरी है कि जो आने वाले हालात हैं वो बहुत सख्त हैं। जिस कदर 1.5 साल में पूरी तस्वीर बदल दी गई है, तमाम लोग जिस तरह से जान और जिंदगी बचाने की कोशिश कर रहे हैं, इस पर यह आज का मौजू है। उससे पहले कि किस कदर भारत के अंदर जो मौतों का एक मंजर देखा जा रहा है, लाशों के ढेर देखे जा रहे हैं और बेबस यह हुकूमत और इनकी नाकाम पॉलिसियां, लिहाजा उससे पहले इन चार मिसरों से इस आज के मौजू का आगाज। वो चैन से सो रहे हैं शहर बेचकर, कोई सुहाग बचा रहा है जेवर बेचकर, बाप ने उम्र गुजार दी घरौंदे बनाने में, बेटा उसकी सांसें खरीद रहा है घर बेचकर, बर्बाद हो गए कई घर दवा खरीदने में, कुछ लोगों की तिजोरी भर गई जहर बेचकर, किसी तरह अपनों की जिंदगी बचाने की जद्दोजहद जारी है। कहने को सुनने को हुकूमत के वादे ऐलानात बहुत है, पर जमीनी सच्चाई यही है कि लोग जिंदा रहने की कोशिश कर रहे हैं। ऑक्सीजन की किल्लत शायद तारीकी होगी, जहां कहीं जाओ आपको ऑक्सीजन की कमी की बात ही कही जा रही है, दवाइयों की कालाबाजारी भी जारी है, अस्पताल है तो बेड नहीं है, बेड है तो ऑक्सीजन नहीं है। खैर, हर तरफ एक अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है, तमाम तरह की फिक्रों को बंद करके एक ही फिक्र सभी के जहनों पर तारी है और वो है कोरोना आलमी वबा की। लिहाजा इस आलमी वबा को लेकर पूरी दुनिया में लॉकडाउन का खेल खेला जा रहा है। अब इसे अलग पस मंजर में भी देखा जा रहा है, सोशल मीडिया पर मरने वालों के लाशें, जलती चिताएं, कब्रिस्तान के सैकड़ों वीडियोस वायरल तो हो रहे हैं, खबरें सुबह शाम ही एक ही तरह की दिखाई जा रही है। मौतों के आंकड़े, पॉजिटिव मरीजों की तादाद, मरते नौजवान, बेबस वालिदैन, बेसहारा और लावारिस लाशें जिन्हें औलाद तक चिता देने के लिए तैयार नहीं, खैर इन तमाम को किस पस मंजर में देखा जाए। पर जिन्होंने ईमान लाया है इनके लिए इन तमाम आने वाले हालात का इल्म दिया गया था। दौरे फितन की कई हदीसें मौजूद हैं। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कयामत के करीब फितने ऐसे बरसेंगे जैसे बारिश की बूंदें आसमान से बरसती हो, उस वक्त दीन पर चलना गोया जलता हुआ अंगारा अपने हाथ में थामने के बराबर होगा, कोसों कहीं एक मुसलमान नजर आएगा। अब इन तमाम पेशगोइयों के मद्देनजर आज के हालात का एहसास आपको नहीं होगा, अफसोस तो इस बात का है कि हमें आने वाले हालात के बारे में हमारे बड़ों ने, हमारे इल्मी दानिशवरों ने हमें समझाया ही नहीं। महज दुनियादारी की तालीम हमें मिली है, असल मौकूफ की तरफ हमें माइल ही नहीं किया गया। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि कोई फासिक तुम तक कोई खबर लेकर आए तो उसकी तस्दीक करे, पर हमारे पास कोई मीडिया, कोई सोर्स नहीं है, हमने उस पर कभी मेहनत की ही नहीं। जो यहूद और मुशरिक दिखाना चाहते उसी को हम सच मान लेते। आज जिस तरह पूरी दुनिया में लॉकडाउन के जरिए मुकम्मल मईशत को तबाह बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है, क्या हमारी आने वाली नस्ल या फिर मौजूदा नौजवान इसमें से बच पाएंगे? क्या आने वाले दज्जाल का सामना करने की कुव्वत, हिम्मत हमारी नस्ल में होगी? आखिर हमें तरबियत दी ही है दुनियादारी की, पूरी दुनिया में मायूसकुन हालात है। पहले 10 लोग खुदकुशी करते थे, अब 200 कर रहे हैं। बेलगाम शहर में आए दिन खुदकुशी की खबरें हासिल हो रही है। कर्नाटक और दिगर रियासतों में किसानों के खुदकुशी की तादाद हजारों में, कहने का मतलब पूरी दुनिया में मायूसी का आलम है। कारोबार बंद है, रोजी रोटी के तमाम जरिए महज कोरोना के नाम पर बंद कर दिए गए, पूरी दुनिया को ग्लोबल रीसेट के नाम पर तबाह किया जा रहा है और इस साजिश का हिस्सा मुसलमान भी बने हुए। मायूसी कुफ्र है, मगर हमारे नौजवानों में यह मायूसी देखी जा रही है। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि तुम अपने बच्चों को आने वाले हालात के लिए तैयार रखो, पर क्या हमने ऐसा किया है? हमने हमारे बच्चों को अय्याशी का आदी बना दिया है। आज अगर बच्चों के हाथ से सिर्फ मोबाइल ही छीन लिया जाए तो बच्चे पागल हो जाते हैं। बच्चों को इस्लामी तालीमात देने के बजाय ऐश परस्ती के आदी बना दिया। अक्सर आप देखेंगे मुस्लिम नौजवानों का बड़ा तबका अय्याशी का आदी हो चुका है। क्या यह तमाम नस्ल दज्जाली फितने का सामना कर पाएगी या उसके सामने टिक पाएंगे? मौजूदा दौर में अपने आप को दीनी इल्मी रहनुमा तक फितनों से बचते नहीं देखा जा सकता, क्योंकि आने वाले सख्त हालात पर हमने कभी आने वाली नस्ल को खड़ा किया ही नहीं। IAS, IPS, MBA फलाना ढिमकाना कहकर दुनिया परस्ती की तालीम से ही आरास्ता किया है। आने वाले हालात, आने वाली कैफियत दौरे फितन के ताल्लुक से तैयार करना हो हमने हकीर समझ लिया और दुनियाई तालीम को ही सब कुछ समझ लिया। कोरोना के नाम पर स्कूल कॉलेजेस को तबाह किया गया, इल्मी इदारों को खत्म कर दिया गया, ऑनलाइन एजुकेशन के नाम पर बच्चों को तालीम से दूर किया गया, वर्क फ्रॉम होम के नाम पर करोड़ों नौकरियां खत्म कर दी गई, करोड़ों नौजवानों को बेकार बेहिस बना दिया गया। जिस रफ्तार से हम दौरे फितन में दाखिल हो रहे हैं, नस्लों का दीन और ईमान पर रहना मुश्किल होगा। तभी तो नबी रहमत ने फरमाया कि कोसों एक मुसलमान नजर आएगा,
दरअसल हमने अल्लाह को नाराज करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ा है। नमाज इबादत मस्जिद रूहानी गिजा है, इससे भी दूर किया गया, मस्जिदों को ताले लगा दिए गए। कोरोना से इनकार किसी को नहीं है, पर जिस तरह बड़ा चढ़ाकर एक डर का माहौल बनाया जा रहा है, इस डर खौफ की वजह से लोगों की जानें ज्यादा जा रही है। अगर आप हर साल मौतों की फीसद को देखा जाए तो महज भुखमरी से 6 लाख बच्चे हर साल मरते हैं, कैंसर से तकरीबन 5 लाख लोगों की मौत होती है, खुदकुशी से हर साल 1.5 लाख लोगों की मौत हो जाती है। कुल मिलाकर हर रोज मरने वालों की तादाद कोरोना से पहले 27,000 तक थी। पिछले 1.5 सालों में कोरोना से मरने वालों को जोड़ लिया भी जाए तो महज 1% का ही इजाफा हुआ है। मर्ज तो है, पर इसके पीछे ग्लोबल रिसेट के नाम से पूरी दुनिया पर कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। फिर लॉकडाउन की बात कही जा रही है। ऑक्सीजन न होने की बिना पर आज बेलगाम में बड़ी तादाद में लोगों की मौत की खबर आई हुई है। सदाशिव नगर शमशान घाट को या अंजुमन कब्रिस्तान में चिताएं जलाने और मैयत को दफनाने का काम मुस्तकिल जारी है। आज और पेट्रोल महंगा हो गया, महंगाई पर सोचने के लिए किसके पास वक्त है? जान बची लाखों पाई की तरह हर कोई ऑक्सीजन की तलाश में है, लोगों के पास पैसा खत्म हो चुका है। पिछले साल लॉकडाउन में कई इदारे तंजीमों ने राशन तकसीम किया था, पर इस साल अब तक नजर नहीं आ रहा। आने वाले दिन बहुत ही खौफनाक होंगे। जो पहले के दिन आपने देखे हैं वो दोबारा पलट कर आने के इम्कान बहुत कम है। दज्जाली फितने के तूफान में हम दाखिल हो चुके हैं। क्या इस दज्जाली फितने का मुकाबला ये मोबाइल ऐश परस्ती में मुलविस नौजवान नस्ल कर पाएगी? महंगी गाड़ी, महंगा मोबाइल, रात देर तक वीडियो गेम में मुलविस बच्चे, जिन्हें आने वाली मुसीबतों का जर्रा बराबर भी एहसास नहीं, क्या ये फितनों के तूफान का मुकाबला कर पाएंगे? हमने इन्हें तरबियत ही दुनिया की दी थी, तो उम्मीद आज करना भी बेकार है। खैर, आज इफ्तार में मुख्तलिफ किस्म के खाने के बाद भी अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करते, क्या यह नौजवान नस्ल दरख्त के पत्ते खाकर जिंदा रह सकती है जैसे अल्लाह के रसूल और सहाबा ने किया था या औलिया कराम तबे ताबईन ने किया था? अपने बच्चों को मजबूत बनाने की जरूरत है। बिना बिजली, बिना पानी, बिना गाड़ी के जिंदा रहने की तरबियत अपने बच्चों को देना होगा, क्योंकि आने वाले हालात बहुत सख्त है। क्या उन सख्त हालात का हम मुकाबला करने की कुव्वत कैफियत बना पाएंगे? क्या हमारे जहन और हमारे औलाद की जहनी जिस्मानी तौर पर हमने इस तरह की तरबियत करने का कुछ सोचा है, कुछ मंसूबा बंदी है? पर हमें इसकी कोशिश करनी होगी, जिस्मानी तौर पर, जहनी तौर पर इन्हें सख्त बनाना पड़ेगा। कोरोना के 1.5 साल में तस्वीर ही बदल चुकी है। सरकारी अस्पताल में बेड नहीं तो निजी अस्पतालों में लाखों रुपए इलाज के लिए मांगे जा रहे हैं, लाखों रुपए बिल अदा करने के बाद भी कईयों की मौत वाकई हो रही है। दुनिया एक अजीब खौफ के साये में है। जरूरत है हमें अल्लाह की तरफ पलटने की। इंसान को अपनी होशियारी से बाज आना चाहिए, क्योंकि हम जान बचाने की कोशिश तो हद्दुल इम्कान कर रहे हैं, पर आसमान की तरफ सर उठाने को तैयार नहीं। और हमें आसमान की तरफ सर उठाकर उस रब्बुल इज्जत की तरफ देखने का मौका तक मयसर नहीं हो रहा। कुछ तो अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए छोड़ो। देख रहा हूँ बड़े बड़े दीनदार समझे जाने वाले भी कोरोना का खौफ इनके चेहरे पर है, बेसुकून का शिकार हो चुके हैं। जिंदा रहने की तड़प देखी जा सकती है, और यह तड़प इसलिए है कि हमने मौत को कभी इस कदर देखा ही नहीं था, जबकि हमारे असलाफ ने हमें यही बताया था कि तेरी जिंदगी की शुरुआत ही मौत के बाद होती है। लिहाजा सख्त हालात दरपेश आने वाले हैं। नस्लों को ऐश परस्ती से बाहर निकालकर मुजाहिदी की तरफ गामजन करने की जरूरत, वरना ग्लोबल रिसेट के नाम से जो तबाही होने वाली है इसका अंदाजा हम नहीं कर सकते। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।